नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनमत टाइम्स। अभी हम खड़े हुए हैं मेनेजर फील्ड, जहां पर कुछ ही समय में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी पहुंचने वाली, जहां उनके समर्थकों को देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग लगा हुआ था, इतने बेसब्री हैं, वो बैरिकेडिंग भी गिर चुका है और पुलिस फोर्स उन्हें संभालने में लगा हुआ है और बैरिकेडिंग तोड़ के जनता पूरा इंतजार और पुलिस प्रशासन उनको संभालने में लगा हुआ है। इस तरीके से अभी 2 बजे बहन जी का यहाँ पर आगाज होगा, जहाँ पर सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी मौजूद हैं और कार्यकर्ता में जोश दिख रहा है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से के दिखाएं कि जनता में कितना जोश और कार्यकर्ता में जोश दिख रहा है। आगरा मंडलीय स्तरीय चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच पहुंच चुकी है। आदरणीय बहन जी के पहुंचने पर आगरा मंडल बहुजन समाज पार्टी यूनिट वे सरो समाज के भाई बहने आदरणीय बहन जी का हार्दिक दूसरे की अलग ना चक्कर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अब स्टैंड लगा दूं है? हाँ, और अब मैं आगरा मंडल बहुजन समाज पार्टी यूनिट की जानिब से आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का चुनावी चिन्ह भारतीय सहप्रेम भेंट करके उनका सम्मान करते हैं। माननीय गुरुजन, अरे बोलो मत यार, तो छोटा हाथी का बड़ा तो होता है वो। हम मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अनुरोध करूंगा आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय बहन जी, चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए
आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और हमने सबसे पहले अपने पार्टी के संबंध में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी संकीर्ण अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही सभ्य समाज के लोगों को टिकट भी दिए है। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन बाबू की मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांशीराम जी के ध्यान तोड़ने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा ना ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से ये दिली चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने के बाद
यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व्यवधान आदि याद नहीं आता है, तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन जहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व झगड़े आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए। और इतना ही नहीं सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई तो सपा सरकार ने एक काम ये किया सबसे पहले सत्ता में आते ही कि हमारी पार्टी की सरकार ने जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए तो उनको आदर सम्मान देने के मकसद से उद्देश्य से हमारी पार्टी की सरकार ने जिन नए जिलों के नाम इनके नाम से रखे, नई योजनाओं के नाम इनके नाम से रखे तो उनको बदल दिया। और इतना ही नहीं मैं सरकारी कर्मचारियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको पदोन्नति के आरक्षण की सुविधा न मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है, ये किसी से छिपाने में। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित व महिलाएं भी सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें इस सरकार में सही से
पूरा लाभ नहीं मिल सका है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा भाजपा सरकार में भी पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रभुत्व वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बढ़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई है, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी परेशान है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर इनका पलायन हुआ, ये लोग पलायन करके चले गए। और इसके साथ ही जब बीजेपी पावर में आई तो आप लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी रहा, और कोरोना काल में जो लोग भारतीय राज्यों से वापस आ गए, जब उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो उन्हें पूरे पलायन करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में भी बड़े पैमाने पर सपा सरकार में लोगों को पलायन करना पड़ा। तो ये तीनों पार्टियों की जो सरकार है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी, इन सभी पार्टियों की सरकारों में किसी न किसी कारणवश जो दुखी पीड़ित लोग हैं, खासकर बेरोजगार लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपने एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया, जिनके यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी
वह बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जो भी आपके आगरा मंडल में तो सभी जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी जरूर दूर किया जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम है कि आगरा और फिरोजाबाद में तो जो यहाँ स्थानीय कारोबार चल रहे हैं इनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथ ही केंद्र व यूपी के भी यूपी सरकार के भी विवादित इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ जल्दी से लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की नई सरकार में जिन महान संतों गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे तो उन्हें अधिकांश जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है जिससे उनके प्रति इनके हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की नई सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व बीजेपी की सरकार ने ज्यादातर दरकिनार कर दिया है तो उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के नाम पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा। यहाँ निजी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि जाति धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं वर्तमान भाजपा सरकार में तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भरती गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने दिनांक 7 सितंबर को प्रभुत्व वर्ग की सुरक्षा सम्मान व तरक्की आदि को लेकर किए गए सम्मेलन में तथा इसके बाद दिनांक 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी मैंने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर
अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दल भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले या चुनाव के दौरान भी खासकर अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया या ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना। ये बात मैं आपको बार बार कहती रही हूँ और आखिर दोहराना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस बार कुछ जातिवादी मीडिया ने इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने में भी ये कहकर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इनके नेता कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आए दिन मीडिया में इसको न्यूज को फ्लैश करते रहे, जबकि इस मामले में हकीकत तो ये है कि देश में शुरू में पहले कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होते ही मैं दिल्ली से लखनऊ आ गई थी और पिछले लगभग एक साल से मैं लखनऊ में ही रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के कार्य में लग गई थी। इसके साथ ही इस कार्य में यहाँ ज्यादा ध्यान देने की वजह से मैंने पिछले एक वर्ष से बाकी राज्यों का भी कार्य लखनऊ से ही देखा और एक वर्ष में केवल मैं दो दिन के लिए दिल्ली गई थी। जब मेरी मदर की मृत्यु हो गई थी और इसे एक वर्ष के दौरान मैंने यहाँ पार्टी को फिर से पोलिंग बूथ स्तर तक कैडर के आधार पर यहाँ सही से खड़ा किया है। आप लोगों को मालूम है कि पहले जो कमेटियां बनी थी तो ज्यादातर फर्जी थी, केवल हमारे लोग बता देते थे नीचे के स्तर के पदाधिकारियों को, खुद जाकर कमेटी नहीं बनाते थे। इस बार मैंने सख्त निर्देश दिए कि कमेटी सही होनी चाहिए और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जाकर कमेटी बनाएंगे, ये भी मैंने कहा। तो इस एक कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक वर्ष के दौरान मैंने यह पार्टी को फिर से पोलिंग बूथ स्तर तक कैडर के आधार पर सही से खड़ा किया है तथा सर्व समाज के काफी नए लोगों को भी तैयार किया है। इसके साथ ही पोलिंग बूथों की कमेटियों के बनने के बाद फिर मैंने अपने ज्यादातर निवास स्थान पर ही उनकी समीक्षा बैठक भी की है और ये कार्य खत्म होने के बाद फिर मैंने इस बार उम्मीदवारों का चयन करने के मामले में भी विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इस मामले में पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जो अधिकांश अब दूसरी पार्टियों में चले गए हैं उन्होंने काफी विश्वासघात किया है। पिछले बार चुनाव में उन्होंने काफी विश्वासघात किया, न जातीय समीकरण का ध्यान रखा बल्कि सुनने में तो यह आया कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से साठ गांठ करके हमारे नेताओं ने ज्यादातर लंबी कमी खड़े कर दी, जिसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। इस चीज का मैंने विशेष ध्यान दिया इस बात की तरफ और मैंने ये फैसला लिया कि इस बार मैं ये कार्य अपने देखरेख में खुद करूँ। 403 विधानसभा की सीटें हैं, एक एक सीट पर मैं उम्मीदवार से खुद मिली अपने रेजिडेंस पर, उनका पूरा परिचय लिया मैंने उनका टिकट हासिल किया ताकि पिछले चुनाव की तरह हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। और इसके बाद जैसे ही मैं इस कार्य से कल फ्री हुई तो आज मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करने के लिए यूपी की दलितों की खास राजधानी आगरा में आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। लेकिन मुझे भी
लेकिन मुझे भी पूरे यूपी में अपने खासकर दलित वर्ग के लोगों पर ये नाज है कि वे मीडिया के दुष्प्रचार पर कि उनके नेता कहाँ है उससे कतई भी गुमराह नहीं हुए और अपने कार्य में पूरे जीव जान से लगे रहे, जिसके कारण इस दौरान बाकी जातियों के लोग भी बीएसपी में बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। जब मीकर सेक्शन के लोग, दलित वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर कैडर के आधार पर जुड़े जिसकी तरफ मैंने विशेष ध्यान दिया, तो फिर जो बाकी जातियां वो भी बड़े पैमाने पर बीएसपी में जुड़ी है। और अब इस बार चुनाव में फिर से मैं मीडिया वर्गों को ये बताना चाहती हूँ जो ये गलत खबर दिखाते रहे कि बहन जी की तरह है, बहन जी इसी काम में लगी थी, इनको मैं बताना चाहती हूँ चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। और अब मैं मीडिया बंदों को ये बताना चाहती हूँ कि अब इस बार चुनाव में फिर से सन 2007 की तरह बीएसपी का चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये भी मैं मीडिया बंदों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब सन 2007 में विधानसभा का हम चुनाव हुआ था तो उस दौरान मीडिया इस बात के चुनाव की तरह बीएसपी को कहीं आंकता नहीं था और बीएसपी के बारे में क्या बोलता था, इनका ओपिनियन पोल सर्वे आदि क्या बोलता था कि बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी। जब रिजल्ट आया तो बीएसपी नंबर वन पर आई और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी। और मुझे तो लग रहा है ऐसा इस बार भी होने वाला है, मीडिया का ओपिनियन पोल सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के चारों नई सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ जो असंख्य के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। आपको मालूम है कि बीजेपी के लोग कहते रहते हैं हमने गरीबों को इतने मकान दिए हैं कहीं नजर आ रहे, बल्कि और इतना ही नहीं तो मैं जैसा कि आपको बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम जो हमारी सरकार ने कार्य किए थे बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम वे स्वरूप आदि बदल कर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी है। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हम मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को, इसके लिए बीएसपी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जाना है। वोट वाले दिन याद रखो, बहुजन समाज पार्टी के लोगों,
जो बीमार है बुजुर्ग है उनको छोड़कर जो बाकी लोगों को उस दिन आप लोगों को उपवास रखना है कब तक, जब तक आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर अपने घरों में वापस नहीं आ जाते। और इस मामले में हमारी जो महिलाएं हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर आप लोगों को वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति डाल ना सके इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब अंत में मेरे बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने या आपके क्षेत्र में आपके आगरा मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है वो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी है। हमारे आगरा मंडल के जो प्रत्याशी हैं तो जहाँ जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं तो जिनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है ये आपके सामने जो स्टेज बना है आपके बीच में जहाँ खड़े हुए हैं और आप लोगों से आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और बीएसपी के जो ये उम्मीदवार हैं तो उनको जिताने के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं जो यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या हाथी और आपकी आबादी हाथी की तरह विशाल है। आप लोगों को अपनी विशाल आबादी को ध्यान में रखकर आपका वोट बहुत ज्यादा है। आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना। अपनी पार्टी के लोगों को जो जितने बार लोग हैं उनको ये बताना है क्षेत्र इस मंडल के लोगों को कि बीएसपी ने अपनी सरकार के दौरान जो कार्य किए हैं मेरे ख्याल आजादी के बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने उतने कार्य नहीं किए हैं, चाहे डेवलपमेंट का मामला है चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और इतना ही नहीं जिन हमारे संतों गुरुओं और महापुरुषों को वर्षों से आदर सम्मान नहीं मिला था उन्हें भी हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। और जब आप लोग लखनऊ जाते हैं पहले का लखनऊ आप लोगों ने देखा होगा और मेरे सत्ता में आने के बाद का लखनऊ देखा होगा। लोग भारत के राज्यों से आते हैं विदेशों से आते हैं कहते हैं कि ये तो लखनऊ की तस्वीर बदल गई, लखनऊ की तस्वीर बदल गई। और इतना ही नहीं आपके आगरा मंडल में भी मैंने काफी काम किया। लोग कहते हैं कि मथुरा धार्मिक स्थल है, मथुरा जिला में मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारे हैं बौद्ध विहार है सब है लेकिन उसको उस धार्मिक स्थल को उस जिले में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं विभिन्न धर्मों के लेकिन उस जिले का जो थोड़ा घना विकास हुआ मेरी सरकार में हुआ उसके बाद मथुरा जिले का कोई विकास नहीं हुआ है। ये भी मैं मथुरा के लोगों को बताना चाहती हूँ। केवल मीडिया में हवा हवा ही बातें करते रहते और लोगों को धर्म के आड़ में उनके जो भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं के आड़ में तो लोगों का वोट लेने का प्रयास करते हैं लेकिन हकीकत में जमीनी तौर पर वहां पर कोई विकास का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही सपा सरकार का हल था और बीजेपी को कुछ नहीं करना है। ज्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं कहीं आपको विकास नजर आया आप लोगों का पूरे 5 साल के अंदर कोई आपको विकास नहीं हुआ। आप लोगों के साथ जुड़ी जाती हुई है विकास गिरता हुआ है जो बड़े बड़े पोटी कर दिए हैं जो बड़े बड़े धरना सेठ हैं जो आरएसएस के लोग हैं उनका विकास हुआ है आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का विकास हो सर्व समाज का विकास हो तो आप सभी धर्मों के लोगों का विकास हो सभी जाति के लोगों का विकास हो
तो फिर आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल से जो हमने अपने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपने पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर दिखाना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। सभी के प्रदेश में यहाँ अमन चैन कायम होने के साथ साथ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास में उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार हो एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री कांशीराव जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। और इस उम्मीद के साथ ही हम मैं यही कहना चाहूंगी, क्या कहना चाहूंगी कि अब आपको हर पोलिंग बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में, हर लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही हम मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पूर्ण जोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।